हेलो दोस्तों, समीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ लेमन एनर्जी, लेमन से एनर्जी कैसे बना सकते हैं, यानी एलईडी जला सकते हैं हम। लेमन के अंदर करंट होता है, कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, कई बार बन नहीं पाता है, तो आज मैं पूरा इसका तरीका बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कभी नहीं जलती है लाइट तो क्यों नहीं जलती है। इसके लिए हमें सामान चाहिए, 5 जिंक की पत्ती चाहिए, जिंक स्ट्रिप 5 पीस हैं, या आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 5 जिंक की पत्ती चाहिए और 5 कॉपर की पत्ती चाहिए। इसमें होल करके नट बोर्ड लगा रखा है ताकि आप वायर कनेक्ट कर सकें ये, और ये वायर आते हैं इसके साथ, 5 छोटे छोटे वायर काट लिए हमने, ब्लैक और 5 रेड, और 5 लेमन चाहिए रसीले नींबू, थोड़े बड़े साइज के हों तो ज़्यादा अच्छा है, और 1 एलईडी चाहिए, लेकिन मैंने 3 एलईडी लिए हैं डिफरेंट कलर की ताकि आपको जलाकर दिखा सकता हूँ एक एक करके। और इसके लिए एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है, एक मल्टीमीटर आता है, वोल्ट मीटर इस तरह से, तो इसमें यहाँ 20 पे करके 20 वोल्ट तक जो मिनिमम है, डीसी वोल्ट है, ये एसी होता है, ये डीसी, यहाँ पे करके हमें चेक भी करना है कि हमारे किस लेमन में कितनी वोल्ट आ रही है। लगभग आधा वोल्ट 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और वो कनेक्टिविटी भी बता देगा। इसी प्रकार से 5 लेमन को मिलाकर 3 वोल्ट कम से कम चाहिए, इस एलईडी को जलाने के लिए 3 वोल्ट चाहिए कम से कम, तो 3 वोल्ट से ज़्यादा ही करंट बनेगा तभी यह जल पाएगी। इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए और सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जिंक की पत्ती है, इसको थोड़ा लूज करेंगे इस वायर को, यहाँ इसमें लगाकर स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। देखिए टाइट हो गया, एक तरफ रखते जाएंगे। इसी तरह से सभी पहले जिंक की पत्तियों में ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर जो है हमारा नेगेटिव करंट को जनरेट करेगा, स्ट्रिप से होते हुए करंट आएगा ब्लैक वायर में, और ब्लैक वायर हम एलईडी के छोटे पॉइंट पर लगाते हैं। एलईडी में 2 पॉइंट होते हैं, एक लेग उसकी बड़ी होती है, एक लेग छोटी होती है, तो बड़ी लेग पे पॉजिटिव करंट देते हैं हमेशा और छोटी लेग पे नेगेटिव करंट देते हैं। इस तरह से ये वायर कनेक्ट करते जाएंगे और इन स्ट्रिप को फिर हमें लेमन में लगाना है, उसका तरीका बताऊंगा कैसे लगाना है। लेमन के अंदर दोनों स्ट्रिप आपस में टच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो करंट नहीं आएगा, शॉर्ट हो जाएगा अंदर। जैसे ये लगा रहा हूँ मैं ब्लैक वायर, ऐसे ही रेड वायर कॉपर वाली में लगानी है, कॉपर की स्ट्रिप में। ये देखिए जिंक की वायर हमने फिनिश कर ली नेगेटिव वायर के लिए, अब रेड वायर लगाएंगे। और ये रेड वायर कॉपर की स्ट्रिप में लगानी है, ठीक से टाइट कर देंगे, ये लग गई। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसे, मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आपका रेडी है। आप स्कूल में, एग्जीबिशन में, कहीं भी इसको दिखा सकते हैं,
बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। और ये 6th, 7th, 8th, 9th क्लास में, सभी क्लास में कॉमन है, किसी में भी आप बना सकते हैं। एक एक करके ये भी सारी पत्तियां लग जाएंगी इसमें। देखिए तीन लग चुकी हैं, दो और बाकी हैं, ये भी लगा देंगे। एक छोटा सा आपको चाकू और चाहिए लेमन में होल करने के लिए, ताकि आप स्ट्रिप लगा सकें, क्योंकि स्ट्रिप को अगर डायरेक्टली लेमन में घुसाएंगे तो स्ट्रिप मुड़ जाएगी, उसके लिए आपको एक पतला सा चाकू चाहिए। उसकी सहायता से आप पहले होल कर लेंगे, फिर स्ट्रिप उसमें आसानी से चली जाएगी। ये देखिए सभी पत्तियां मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दी, 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव। एक थर्मोकोल का पीस लिया, उसमें होल किए हैं, इसलिए होल किए हैं ताकि लेमन जो है इधर उधर लुढ़के ना। अब अभी मैं वीडियो बना रहा था जब इसमें मैंने कट लगा लिए और चलते चलते वीडियो स्टॉप हो गया, इसलिए दोबारा से कनेक्ट करके वीडियो जोड़ना पड़ेगा। मैं दोबारा से आपको होल करके दिखा देता हूँ। ये एक नुकीला चाकू लेना है आपको, और इससे चाकू से आपको सीधे होल करने हैं लेमन के सबके अंदर, दो दो। और ये होल जो है आपको ऐसे करने हैं, ऐसे तिरछे ना हो, नहीं तो अंदर जाके पत्ती मिल जाती है तो वो शॉर्ट हो जाएगा। इतना दूरी रहे सीधे इस हिसाब से, जैसे ये कि ये बहुत ही रसीले नींबू में, देखिए इसमें जूस निकल रहा है। इस तरह से आपको सीधे सीधे सभी नींबू में होल करने हैं, एकदम सीधे हैं। अभी देखिए इनमें होल हो गए हैं सब में, इस चाकू से किए हैं, नुकीले चाकू से। अब इसमें ये स्ट्रिप डालनी है अंदर। सबसे पहले हम कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं और लेमन के राइट साइड में डाल देते हैं। अगर ये अटकती है तो इसको एक बार और होल कर लेना। और ये आसानी से इंसर्ट हो गई, दूसरी ये भी राइट साइड में, तीसरी इसी तरह सभी में लगानी है। अब ऐसे ही जिंक पत्ती है ये लेफ्ट साइड में, एक ये ध्यान रहे सीधी लगानी है, अंदर जाके दोनों पत्तियां टच ना हो जाएं। कोई पत्ती अटकती है तो चाकू से आपको दोबारा से होल करना है। अंदर कभी कभी बीज में अटक जाती है, इस तरह से डालनी है सभी। और अब इसे डालने के बाद इसको सीरीज में वायर को कनेक्शन करना है। एक जिंक की पत्ती को कॉपर से मिलाना है, यानी रेड को ब्लैक से, ब्लैक को रेड से, सीरियल से मिलाना है। इस तरह से रखना है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिलाया, इसको कनेक्शन को ऐसे ट्विस्ट करके कनेक्ट कर देना है आपस में, रेड को ब्लैक से, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से। आपको ध्यान होगा कभी भी रेडियो वगैरह में भी बैटरी लगाते हैं तो वो भी ऐसे ही सीरीज में मिलाकर ही उसके करंट को बढ़ाया जाता है। अब ये ब्लैक रेड रेड है तो इस लेमन को घुमा लेंगे, ये रेड और ब्लैक,
जैसे खिलौनों में भी चार बैटरी लगती हैं, तो उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में मिलाते हुए चलते हैं, इसलिए हम उनको भी घुमा लेंगे। तो ये रेड और ब्लैक वायर, यहाँ से इसको पकड़ के इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब इसको भी घुमा लेंगे, ये ब्लैक और ये रेड आपस में मिला देंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक ब्लैक और एक रेड, ये वायर बचते हैं। इसमें हमारा करंट का आउटपुट निकलेगा। पहले तो हम एलईडी डायरेक्ट जलाकर देखते हैं, अगर नहीं जली तो फिर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे एक एक सब का करंट, शायद ऐसे ही जल जानी चाहिए। देखिए रेड में पॉजिटिव लगाएंगे, एलईडी में दो पॉइंट होते हैं, एक थोड़ा बड़ा होता है एक लैग, एक छोटा होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में हम रेड वायर लगाएंगे और नेगेटिव में ब्लैक। ये देखिए एलईडी जल गई, बहुत अच्छे से ग्लो हुई है। दूसरे कलर की एलईडी लगा कर देख लेते हैं, इसमें भी लैग बड़ी और छोटी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये देखिए ये आपकी ब्लू कलर की एलईडी कितनी अच्छे से ग्लो हो रही है, ये देखिए। इसको आप स्कूल में एग्जीबिशन में या छुट्टियों में होमवर्क मिलता है, प्रोजेक्ट बनाने में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरे कलर की एक और एलईडी मैं ले रहा हूँ, वाइट है ये, इसको देखते हैं। ये देखिए ये भी जल गई, ये देखिए आप जलाकर देख सकते हैं। ये है लेमन एनर्जी। अगर किसी तरह से आपकी ये एलईडी नहीं जलती है तो आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए, एक लेमन में लगभग 7.75 वोल्ट होता है, सभी को मिला के 3 वोल्ट से ज़्यादा बनना चाहिए। और मैं आपको चेक भी करा देता हूँ मल्टीमीटर से, ये कितना करंट है। ये देखिए इसमें भी रेड और ब्लैक पॉइंट होते हैं ये, और देखिए ब्लैक पे ब्लैक लगाएंगे और रेड पे रेड लगाएंगे, सॉरी इसको ऑन नहीं किया मैंने, ऑन करेंगे 20 पॉइंट पे एसी पे, इधर डीसी होता है, सॉरी इधर एसी होता है, इधर डीसी, तो हम डीसी करंट चेक कर रहे हैं। ये देखिए 3.70, लगभग 3.68 ये करंट आ रहा है इसमें, और पास से देखिए आप 3.68, यानी 3 वोल्ट से ज़्यादा का करंट है, इसलिए एलईडी जल रही है। एलईडी हमेशा 3 वोल्ट से ज़्यादा पे ही जलेगी, है छोटी एलईडी, मिनिमम इसको 3 वोल्ट चाहिए, तो लगभग 4 वोल्ट के करीब बन रहा है। देखिए 3.99 हो गया, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो इसीलिए हमारी एलईडी जल रही है। और अगर हम सिंगल लेमन का करंट चेक करें, जैसे इस सिंगल लेमन का करते हैं, ब्लैक पे ब्लैक लगाया और रेड पे रेड लगाया, देखिए 0.7576 एक लेमन का करंट है ये। ऐसे ही अगर हम बढ़ाते जाएं, ये 2 लेमन का है, ये 1.49 हो गया, यानी 2 का प्लस हो गया, 0.75 और 0.75, 1.5 के करीब हो गया। अब हम 3 लेमन का लेते हैं, ये देखिए 2.15 आ गया। अब हम 4 लेमन का लेते हैं,
2.85 आ गया। और अब 5 लेमन का 3.65। इस तरह से ये करंट हम ऐड करते हुए जाते हैं और लास्ट में हमारी एलईडी ग्लो कर जाती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये स्ट्रिप लेने के लिए आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, हमारा सेलर अकाउंट है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये स्ट्रिप और एलईडी सब मंगा सकते हैं। लेमन तो आप अपने पास से ही यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।